हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कोड फॉर लाइफ। आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में और जावास्क्रिप्ट में ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं इनके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आइए जानते हैं कि ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ऑपरेंड्स वो नंबर होते हैं जिन पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा होता है, और ऑपरेटर्स डिफाइन करते हैं कि उन पे किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म किया जाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको दो नंबर दिख रहे होंगे 5 और 2, तो 5 और 2 जो है वो हम बोलेंगे ऑपरेंड, और जो इनके बीच में एक एडिशन का यहाँ पर मैं ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ वो एक प्लस ऑपरेटर के थ्रू कर रहा हूँ, तो प्लस जो हो गया वो हमारा ऑपरेटर है एंड 5 और 2 हमारे ऑपरेंड है। तो आइए जानते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कितने तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है कि ये बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होते हैं किसी नंबर पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है या एडिशन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन मॉडुलस या उसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करना है, तो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करेंगे। और उसको लिखने का सिंटैक्स बेहद सिंपल है, आपको ऑपरेंड लिखने हैं और उन ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर को मेंशन कर देना है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर दो ऑपरेंड रखे 3 और 2 एंड मुझे इनका एडिशन करना है, तो मैंने प्लस ऑपरेटर इनके बीच में लिख दिया, तो मुझे जो रिजल्ट मिला वो मिला 5। ऐसे ही मैंने 5 - 3 जब लिखा तो मुझे रिजल्ट मिला 2। तो आइए बात करते हैं अपने अगले ऑपरेटर के लिए, जो कि है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किए जाते हैं जब भी आपको कोई वैल्यू किसी पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर करनी होती है या असाइन करनी होती है। जैसा कि हम लोग अभी तक यूज करते हुए आ रहे थे, मैं डिफरेंट तरह की वैल्यूज डिफरेंट तरह की वेरिएबल्स में स्टोर कर रहा था यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इक्वल टू को ही असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। इसको लिखने के दो तरीके हैं, शॉर्ट हैंड या एक्सपेंडेड फॉर्म। तो शॉर्ट हैंड में क्या होता है कि आप नॉर्मल ऑपरेटर को ही एक शॉर्ट तरीके से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर ए में ए प्लस बी का सम स्टोर किया है, जिसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ए में अगर ए माइनस बी का सम स्टोर करना था तो मैं उसे ए इक्वल टू ए माइनस बी भी लिख सकता था या ए माइनस इक्वल टू बी भी लिख सकता था। तो इसको बस लिखने के दो तरीके हैं, हालांकि आपको जो सही लगता है आप वो यूज कर सकते हैं, दोनों ही मेथड बिल्कुल करेक्ट है। तीसरे ऑपरेटर की हम बात करते हैं जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर किन्हीं दो वैल्यूज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए यूज किया जाता है, और इसका रिजल्ट या तो ट्रू होता है या तो फॉल्स होता है। अगर वो कंपैरिजन जो आउटपुट आ रहा है, अगर उसका आउटपुट 1 है तो वो ट्रू हुआ, और अगर उसका आउटपुट 0 है तो वो फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर इस ऑपरेटर का नाम होता है इक्वल टू ऑपरेटर। ये दो वैल्यूज का इक्वर्जन चेक करता है कि क्या दो वैल्यू इक्वल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैंने 5 को चेक किया कि क्या ये 5 के इक्वल है, तो यहाँ पर मुझे आउटपुट जो मिला वो मिला ट्रू। सेकेंड जो ऑपरेटर होता है कंपैरिजन ऑपरेटर में, वो होता है इक्वल वैल्यू एंड इक्वल टाइप। अगर दोनों ऑपरेंड मेरे इक्वल हैं और इनकी टाइप भी इक्वल है तो मुझे ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 जो यहाँ पर है ये नंबर टाइप का है, जबकि मैंने ये जो 5 लिखा है ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, तो जो मुझे वैल्यू मिलेगी अल्टीमेटली फॉल्स मिलेगी, बिकॉज इनका वैल्यू तो इक्वल है बट इनके जो टाइप्स है वो डिफरेंट है, तो मुझे क्या होगा यहाँ पर वैल्यू जो मिलेगी फॉल्स मिलेगी। ऐसे ही नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है कि अगर कोई वैल्यू किसी वैल्यू के इक्वल नहीं है तो वो ट्रू देगी, अदरवाइज फॉल्स देगी। जैसे 5 और 5 आपस में इक्वल थे बट मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल टू चेक किया तो मुझे फॉल्स रिजल्ट मिलेगा। ऐसे ही इसमें नॉट इक्वल नॉट टाइप होते हैं, ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है, लेस देन और इक्वल टू होता है, और एंड में टर्नरी ऑपरेटर होता है। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली आपका कंडीशनल ऑपरेटर होता है। इसको हम फिर कभी डिटेल में जानेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर आप कैसे यूज करते हैं एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कोड में। अपने अगले ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली ये भी दो कंडीशंस को या वैल्यूज को या वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर दो कंडीशन लिखी, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, एंड इनके बीच में मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, तो एंड ऑपरेटर तभी मुझे आउटपुट ट्रू देगा अगर मेरी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो मेरा अल्टीमेटली जो एंड में रिजल्ट आने वाला है वो मेरा फॉल्स ही आएगा। तो अगर मैं एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ तो ये कंपलसरी है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी मुझे आउटपुट जो है ट्रू मिलेगा। और ऑपरेटर इसका
जो काम करने का तरीका है वो एंड ऑपरेटर थोड़ा अलग है। जैसे यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लिखी और बीच में और ऑपरेटर लगाया और देन कंडीशन टू लिखी, तो अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो अल्टीमेटली मेरा जो रिजल्ट है वो ट्रू ही आएगा। नॉट ऑपरेटर यूज किया जाता है कॉम्प्लीमेंट के लिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब कि अगर वैल्यू ट्रू है तो ये उसकी वैल्यू फॉल्स कर देता है, या अगर वैल्यू फॉल्स है तो ये उसकी वैल्यू ट्रू कर देता है। तो ये तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। और अगली हम बात करें अपने ऑपरेटर के, तो वो होते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए ऑपरेटर्स का कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होते हैं। ये जनरली 32 बिट नंबर्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपकी कोई डेसिमल वैल्यू है तो पहले ये उस डेसिमल वैल्यू को बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट करता है, देन उसके बाद अगेन कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद उसको अगेन डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, यहाँ पर हमारा एंड ऑपरेटर है। यहाँ पर क्या किया, मैंने दो ऑपरेंड लिए 5 and 1, तो इसने पहले 5 को बिट्स में कन्वर्ट किया जो कि 0101 है, एंड मैंने फिर 1 को इसने बिट्स में कन्वर्ट किया जो कि 3 times 0 and 1 है। फिर मैंने इसके बीच में एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया और जो भी आउटपुट आया वो बिट्स में आया, देन उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके मुझे आउटपुट मिल गया। तो पहले ये डेसिमल से बाइनरी में करता है, देन बाइनरी से अगेन डेसिमल में कर देता है कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद। ऐसे ही और ऑपरेटर होता है, इसका भी काम करने का तरीका सेम है, बस इनके बीच के जो ऑपरेशन है वो डिफरेंट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली आपका एक लॉजिकल एंड और लॉजिकल और की तरह ही काम करता है कि अगर आपकी दोनों वैल्यूज अगर बिट्स की अगर ट्रू है तो एंड आपको ऑपरेटर आपको ट्रू वैल्यू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। ऐसे ही नॉट ऑपरेटर होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट के लिए होता है। एक्सऑर होता है जो कि एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर होता है। जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट होते हैं, साइन राइट शिफ्ट होता है और जीरो फिल राइट शिफ्ट होता है। फिलहाल के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन दे दिया। आइए अपने अगले ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं जो कि है स्ट्रिंग एंड टाइप ऑफ ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग ऑपरेटर होता है आपका बेसिकली जो प्लस ऑपरेटर होता है आपका वो कंकैटनेशन के लिए यूज होता है। तो कंकैटनेशन क्या होता है, कंकैटनेशन मतलब कि जब मुझे दो स्ट्रिंग को जोड़ना होता है तब मैं प्लस ऑपरेटर का यूज करता हूँ, तो ये दो स्ट्रिंग को कंकैटनेट कर देता है। और अगला अगर हम बात करें टाइप ऑफ ऑपरेटर, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको एक पर्टिकुलर वेरिएबल का डेटा टाइप बताता है। तो आइए इन दो ऑपरेटर के बारे में जानते हैं थोड़ा ब्रीफ में। सबसे पहले मैं अपना कंसोल खोलता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर ये वार्निंग सारी इनको हटा दूंगा, और यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कि सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने नाम दिया इसका फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैंने इसको असाइन कर दिया जॉन, और एक और वेरिएबल बनाता हूँ मैं जिसका नाम दे देता हूँ लास्ट नेम, और यहाँ पर मैंने इसमें असाइन कर दिया डॉग। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को कंकैटनेट करूंगा यूजिंग द प्लस ऑपरेटर, और आप देख रहे हैं कि जो दोनों स्ट्रिंग वैल्यू हैं वो ऐड हो चुकी है। तो ये बेसिकली जो काम होता है वो प्लस ऑपरेटर का होता है जो यहाँ पर एज अ कंकैटनेट करने के लिए स्ट्रिंग को यूज किया जाता है। आइए जानते हैं अपने अगले ऑपरेटर टाइप ऑफ ऑपरेटर को। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने एज स्टोर करी 20, और फिर मैंने चेक किया इसका टाइप ऑफ एज, और फिर ये मुझे बता देगा नंबर। तो जो भी मेरे पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप होता है वो उसकी कोट्स में उसको मार्क करके उसका टाइप रिटर्न कर देगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर अगला वेरिएबल बनाऊँ अपना जो कि मेरा एक, मैं इसमें किसी यूजर का नाम स्टोर कर रहा हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ रोहन, और फिर मैं अगेन इसका टाइप चेक करता हूँ, तो आप देखिए इसका टाइप जो मुझे मिलेगा वो मिलेगा स्ट्रिंग, क्योंकि रोहन जो है स्ट्रिंग टाइप का है। तो ये जब भी आपको किसी वेरिएबल का टाइप पता करना हो तो आप टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज हमें सेंड कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उसे जल्द से जल्द सॉल्व करने की। और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।